गुड मॉर्निंग गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। गाइस हमारे यहाँ पे नारगढ़ फोर्ट के पास सनराइज देखने तो गाइस ये था हमारा सनराइज। ठीक है, आपको नीचे दिख रहा है वहाँ पे जल महल, उधर हमारा है जयपुर सिटी। ठीक है, अच्छे से आई गेस नहीं दिख रहा होगा, अभी थोड़ा रोशनी आ गई है। और अल्टीमेटली मैं मासी का मम्मी ने हमने सनराइज देखा यहाँ पे नारगढ़ फोर्ट के पास। अब यहाँ से हम जाएंगे नारगढ़ की तरफ, चलो बेबीज। कितना सुंदर लगता है ना यार सनराइज, मतलब मैं सनराइज को सोच कर तो नहीं आई थी कि मैं सनराइज देखूंगी, बट यार जब इतना अच्छा व्यू था आप नहीं मिस कर सकते, सोचा भी नहीं था एक्चुअली। मुझे नहीं लगा था कि आसपास से कोई सनराइज पॉइंट होगा, मैं तो नॉर्मली ट्रैकिंग का सोच कर आई थी, क्योंकि मैंने जो भी ब्लॉग्स पढ़े थे उसमें यही था कि नारगढ़ पे जाओ मॉर्निंग के लिए, ट्रैक्स होगा ये वो, तभी वहाँ पे जाएंगे देखते हैं क्या सीन है। ट्रैक्स बड़े हैं यहाँ पे देखो तेरे मेरे। पहुँचे हैं नारगढ़ फोर्ट और ऐसे एज इज अर्ली मॉर्निंग तो पैलेस अभी खुला नहीं है, तो हम यहाँ बावड़ी पे घूमने जा रहे हैं। और यार मेरे तो देखो कितना है ही सेक्सी, देखिए मेरे पास फोन आया वही मामा, मैं तो जयपुर हूँ। चलो 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 देखो देखो यार सही में राजा महाराजा की लाइफ तो बड़ी सेक्सी होती है। एक्चुअली किला है, बावड़ी है, पैलेस उस तरफ है जहाँ रानियाँ रहा करती थी। तो आपको तो पता ही होगा मोस्टली अब तो ये नारगढ़ अंबेर एंड जयगढ़ फोर्ट तीनों आस पास में कनेक्टेड है। एंड देखो ये मस्ती सूझ रही है, हे भगवान मैं सोचती हूँ कि मैं छोटी हूँ। तो वासी ये बताओ आपको सुबह सुबह सूर्य जी के दर्शन कैसे लगे? अभी तक मैं सूर्य नारायण जी को देखती थी और हाथ जोड़ के प्रणाम करती थी, आज पहली बार मुझे उगते हुए सूरज के दर्शन मिले, बड़ा अच्छा लगा और उनको सूर्य प्रणाम करा, उनका मंत्र पढ़ा, बहुत ही मन को भाया। चलो मासी को तो हमारा सनराइज पसंद आया। ठीक है, मैंने ये सच बताऊँ तो मेरी लाइफ का ये तीसरा सनराइज था। पहला मैंने देखा था आपका चक्राता में, दूसरा मैंने देखा था कसौली में, और तीसरा मैं यहाँ पे देख रही हूँ। देखो सुबह सुबह बहुत मैं भी बहुत लेजी होती हूँ उठने में, इधर मैं भी कोई सुपर वूमन तो हूँ नहीं, तो हाँ ये मेरा लाइफ का तीसरा सनराइज था। बिकॉज मोस्टली मैं जब भी कहीं सनराइज़ के लिए जाती थी मैं लेट ही जाती थी, तो सूरज जी उग चुके होते थे। तो हाँ यार देखो, हालांकि वो दो मैंने माउंटेन्स में देखे और मैं यहाँ पे देख रही हूँ, मुझे ये वाला बहुत अच्छा लगा। ठीक है, एकदम बादलों के पीछे जैसे निकला और नीचे पूरा लेक दिख रहा था और सिटी दिख रही थी, वो व्यू मुझे बहुत अच्छा लगा। वो देखो मेरी बुद्धियों को बिचारी, सुबह सुबह मैंने जैसे गलत ही कर दिया। चलो चलो चलते यार। देखो ये है हमारा ट्रैक वाला रास्ता जो हमें आता, हम गाड़ी से नहीं आते तो रास्ते इस तरह से आते और यहाँ खड़े होकर फिर देखते सनराइज, वो तो अल्टीमेट है ना मासी। पर चल के आने में थोड़ा मुश्किल हो जाती है वो अलग बात है। हाँ सारी मतलब कल जितना भी हमने वो क्या खाई थी, पनीर की सब्जी और क्या है मासी की चाप खाई थी और वो बटर नान, सब बिल्कुल सब डाइजेस्ट हो जाती। लहसुन की रोटी,
बट हाँ देखो यहाँ से व्यू तो नो डाउट अच्छा है, वो देखो वहाँ पे वही चीज़ है पर बेटर व्यू नीचे, यहाँ पे वो नहीं है ना पेड़ वेड़, तो ये मेरी रिकमेंडेशन है, ये आप ट्राई कर सकते हैं। देखो यार जल महल के सामने क्रिकेट खेला जा रहा है, हम लोग घूमने आए हैं जल महल देखने आए हैं, लोग क्रिकेट खेल रहे हैं यहाँ पे मॉर्निंग में। चलिए यार गाइस वहाँ है जल महल, सो फिर से गलत पॉइंट पर रुकते हैं। मैंने पूछा था यार लोकल से कि वे से व्यू पॉइंट एग्जैक्टली कहाँ से अच्छे से जल महल दिखेगा, तो उन्होंने कहा यही है। तो मुझे लगता है कि ना बाहर वालों को ज्यादा नॉलेज होती है लोकल से। ये देखो नारियल पानी के लिए बहस करते हुए, तुम पियो तुम पियो। मम्मी वो कैमरे में आते एकदम चुप हो जाती है। ये नहीं है सही जगह मासी, जल महल उस तरफ है, मतलब व्यू पॉइंट ये नहीं है। अच्छा है ठीक है, व्यू पॉइंट की तरफ चलते हैं, आप लोग पियो। तो आई होप आप घूम सकते हो। टेंट वगैरह लगे हुए हैं, जयपुर नाइट्स है यहाँ पे, जयपुर नाइट्स चल रहा है। सामने है संजय म्यूजियम, ठीक है। अभी मैं अंदर टेंट को थोड़ा क्रॉस करके उस तरफ जाती हूँ और बताती हूँ। अब मैं सही जगह आई हूँ, बट यार अगर मैं 2-3 दिन और यहाँ पे रुकूंगी तो मैं डेफिनेटली जयपुर नाइट्स आऊँगी यार, अगर मेरे पास टाइम मिला तो। कुछ तो बढ़िया होगा, मज़ा आएगा यार, जयपुर के फेस्टिवल में कुछ ना कुछ तो मस्ती आती है। तो अब आए हैं हम सही जगह, पहले हम गलत जगह थे, अब आए हैं, अब हम इस तरफ यहाँ पे अच्छे से व्यू पॉइंट इस तरफ पे। यहाँ जाना जा रहा है फिश को खाना, कहा है फिश ही कहा है, वो बोरी 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 दिख रही है, दिख रही है, अरे बहुत है दिखने की, बहुत है देखो। ओह माय गॉड कितनी सारी फिशेस दिख रही है इसमें, यहाँ पे बीच में आगे तो देता हूँ, ले भाई मैंने उठा ली, ले रही है। वहाँ हमारी बतखें हैं, ये हमारी फिशेस हैं, दिख रही है देखो कितनी साफ साफ दिख रही हैं। ये हमारी फिशी तो छोटा छोटा खाना खाती है, तो बड़ा बड़ा खाती है, ये बड़ी बड़ी फिशी है ना, हमें फोटो खींचना है इसे। तो भाई जल महल पे मछलियों को भी खाना खिला दिया, और तो मेरे को कुछ अपना अभी परफेक्ट शॉट नहीं मिला जहाँ से मैं परफेक्ट फोटो ले सके, वो शायद उस तरफ है, मुझे उधर जाना पड़ेगा ठीक है, क्योंकि यार रील भी तो इम्पोर्टेंट है। और देखो यार शायद यहाँ पे फंक्शन लगता है जयपुर नाइट का, और शायद आज भी लगेगा। एंड भाई मुझे भी करवाना है ऐसा शूट, मुझे भी कोई चाहिए ऐसा शूट करवाने के लिए, सीरियसली बहुत सिंगल फील हो रहा है। आज के लिए कर ली हमने काफ़ी मस्ती मॉर्निंग में, सुबह जयगढ़ भी चले गए, नारगढ़ भी चले गए, अभी देखो जल महल भी देख लिया, और अब लगते हैं अपने काम से जिस काम के लिए हम यहाँ आए हैं। तो अभी हम जाते हैं, कुछ चीज़ें रहती थी हमारे हाउस रेंट के लिए, हमें अभी तक हमें देखे नहीं पसंद आए, कुछ बाकी हैं देखना, तो वो अब हम देखेंगे, चाय पियेंगे मस्त अभी जाके, और फिर टाटा बाय बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग माई ब्लॉग, प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, बाय बाय।